दांत कान कौन ले गया? अच्छा ले गया दिल वाला। Look out, here she comes. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप सबके घर में सब लोग ठीक होंगे और अच्छे आनंद में होंगे, मज़े में होंगे आप लोग। सो गाइस, सुबह के 12:50 हो गए हैं और मैं था लेट, क्योंकि रात को लेट सोए थे यार, 1:30 बज गए थे सोते सोते। सो सिमर रिदा की क्लास करा चुकी है, रिदा और सिफत अब खेल रही है अपनी क्लास करने के बाद, और नानी आई हुई है। सो आपको मिलाते हैं, गुड मॉर्निंग कराते हैं, वो क्यूट सी नानी से हमारी। रिच गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिफ्तू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो जी कौन आया हुआ है, नानी जी आई हुई है। नानी जी नमस्कार करते हैं जी। नमस्कार जी करो जी, बोलो। कैसे हैं आप जी? मैं तो ठीक हूं, आप सुनाओ कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया। इनको हमने अमृतसर ले जाना था, लेकिन इन्होंने उसी दिन वैक्सीनेशन का टीका लगवाया एक दिन पहले, है ना? अभी ठीक है तबीयत? वैक्सीनेशन से कोई इफेक्ट तो नहीं आया? पहला था दूसरा था? पहला था। कौन सा वाला लगा? कोरोना का ही लगा। बुखार उखार नहीं आया ना? और हाथ में दर्द? बहुत स्ट्रांग है भाई ये लेडी ना, मतलब ये पैदल चल के आ सकती हैं, 5-7 किलोमीटर भी होगा तो ये पैदल चल के आराम से आ जाती हैं। क्या खाया बचपन में आपने? बचपन में हाँ, दो दो सब फल फ्रूट बहुत भी खाती। अभी भी खाते हो? रोटी बनाते हैं। बढ़िया है बढ़िया है। फल फ्रूट चाहे कुछ हो, चाहे नाक नाशपति, चाहे कोई फल फ्रूट है, माता का आप दांत तो नहीं है हाँ। जैसे कद्दू का स्पंग काट के खीरा खुरा खा ले। दांत नहीं है? कहाँ रहे दांत? कान कौन ले गया? अच्छा ले गया दिल वाला। ले गया दिल वाला। आज बन रहे हैं स्पेशल पराठे। किस चीज के बन रहे हैं जी? अरे वाह, हमारे फेवरेट। ये बन गया मेरा पराठा, और ओए होए 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 होए, और यहाँ है मक्खन। मक्खन दिखाना। ओ तेरी तो, ये भी मूर्थल भूलने नहीं देते मुझको। मक्खन और पराठे कहीं भी जाऊँ मुझे मिल ही जाते हैं, और फिर मैं कैसे करूँ डाइटिंग शुरू, आप लोग बताओ। कीची मेरे हाथ में हमेशा के लिए आ जाएगा? वो कैसे चाहिए? चाहिए मुझे, क्यों नहीं चाहिए? आपको कहाँ मिल गया कीची हमेशा के लिए? इसको लेके सो भी सकता हूँ, किसी भी कर सकता हूँ। मैं तो बहुत मिस करता हूँ उसको। किधर है? सो गाइस, रिदा लाई है कीची और कह रही है अगर आपको चाहिए कीची तो ये ले लो, और आप हमेशा इसके साथ रह सकते हो, इसको किस भी कर सकते हो, इसको लेके सो भी सकते हो। रिदा यू मिस कीची बहुत ज़्यादा। ओ मेरा छोटू, मैं आपको आज कीची से बात कराऊं? ठीक है, आज कीची से बात करेंगे हम। ओके अभी उसके फोन से निकल के जाना है। इस फोन से निकल के कीची के पास जाना है? ऐसा कैसे होगा? अम्बाला से यूके पहुंच जाए, थोड़ा टाइम लगेगा बेबी, आपको घुमाने ले जाऊंगा मैं वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि वो दूर रहते हैं ना बेबी। अब हेलो गुरमान, हेलो एवरीवन, ऐसे पता है बुलाना पड़ता है इन सबको। इतने जो तब से बोल रही हूँ कि मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, अपने ही लगे हुए सबके सब, अपने ही चालू हो रखा है सबका सबका। जलेबी खाने में हाँ व्यस्त हो रखे हैं। तो गाइस आज का दिन है बहुत ही लेजी, सब थके हुए हैं बहुत ज्यादा, और खा रहे हैं जलेबियां। अभी खाना खाया है, भाभी ने बड़ी अच्छी दाल बनाई थी, दाल चावल, तो वो खा लिया। वो देखो रिदा बैठ के कैसे खा रही है जलेबियां। तो जलेबियों की भी एक स्टोरी है। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी से पहले बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती थी, अभी और जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैंने इतना मीठा खाया है, मैंने इतनी जलेबियां खाई हैं स्पेशली, और रिदा को अब जलेबियां इसीलिए आई थी, उसे बहुत ज्यादा पसंद है। ऊपर से आवाज आ रही थी यार छत से, ये लाए हैं ये प्याज,
और दबा के प्याज रखते हैं। ये क्या हो रहा है गाइस? व्हाट्स हैपनिंग? मम्मा कपड़े उल्टे सीधे कर रही हैं ताकि सूख जाएं, और बच्चे खेल रहे हैं पकड़ पकड़ाई। कहाँ So guys, आप लोग एक्सरसाइज करते हो? देखो छोटे छोटे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। 1, 2 पुशअप चल रहे हैं। 3, 4, 5, 6 वेरी गुड। चलो नाउ इट्स जॉगिंग टाइम, कम ऑन। वेरी गुड। पापा तो सोचते ही रहते हैं बेटे आप लोग कर लो। वेरी गुड तिफ्तू, वेरी। अब आप बताओ क्या करोगे? एक्सरसाइज करो, ऊपर एक्सरसाइज आती है ना आपको। हाँ, 1 वेरी गुड। चलो 2, 3, 4, 5 तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ, कुछ कर रहा है नहीं कर रहा? कैसे हंस रहा है? आज चिल्ला नहीं रहा ये। ओ विदा, पूछो आपकी तबीयत कैसी है? कैसी है चिचू की तबीयत? चिचू की तबीयत थोड़ी बेटर है। आज शाउट ही नहीं कर रहा वो, ऐसा तो लग रहा है बीमार है वो। वो बस चिल कर रहा है अभी। वो सिविलाइज्ड हो गया मेरे ख्याल से। भाई शी शाउटिंग सो मच। और तू मेरा स्वेटर ले गई ये वाला? तू मेरा स्वेटर ले गई ये वाला? मेरा वाला स्वेटर नहीं, आप मेरे लिए लाए थे कॉन्फ्रेंस में। ये स्वेटर जब आपकी लंदन शुरू हुई थी, मतलब यही कोई 12 साल पुराना स्वेटर पहन रहा था मैं। यस, सही बात है। कीची को तो दिखा दे एक बार, कीची कैसा सा है। संभाल आके, हमारे गेम शुरू हो चुके हैं। ओ बेटे की, और ये हैं भाई साहब के पत्ते, मतलब ये इससे बढ़िया पत्ते शायद हो ही नहीं सकते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई, कैन यू बीट दिस? मतलब ये तो अमेजिंग हो गया। सैफी साहब तुम तो गए हो, गए हो। चलो बनाते हैं, अभी रुको बैठते हैं हम। अब तो एकदम ही बना देंगे। रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा। निक्की आंटी आए हुए हैं घर, मम्मी ये बैठी हैं और ये वाली मम्मी ये बैठी हैं। अभी मम्मियों की पेशी चल रही है, बता रहा हूँ पेशी की चल रही है। देखो हमारे टेंस भाई, भाई इन्होंने आज पता क्या किया भाई, अरे हाथ पैर फूल गए, लिटरली हाथ पैर फूल गए। टाइम निकाल रहा हूँ, एक बार ही कह रहा है, टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं। ये लोग गए थे 10:15 बजे। हाँ, तो 10:15 बजे ये लोग निकले और हम लोग बैठ के अपना शेयर करने, दोनों दादी नानी और दोनों बच्चे। और हमने 11:15 बजे सोचा चलो देखते हैं कहाँ पे हैं, एक घंटा हो गया सैर करते हुए, कहाँ पे हैं पता नहीं चल रहा, मिल नहीं रहे। तो मैं और भाई गए बाहर घूमने, मतलब देखने इनको। तो मैं उस साइड गया, इस साइड गया, कहीं मिले ही नहीं भाई है। दोनों ने अपनी, मैंने बाइक निकाली, भाई ने एक्टिवा निकाली, और हम इनको देख लो ना हंसी कैसे आ रही है। यहाँ हमारे ऐसे सांस फूले पड़े थे, तो ये भाई भागा बाइक पे, ये भाई भागा एक्टिवा पे। ये लोग यार हमें मिल ही नहीं रहे थे। फिर हमें कहने का मतलब अपनी वॉकिंग के साथ साथ हमारी वॉकिंग बाद में करवाई। हम बैठे थे, सेठी आंटी उनके घर पे, और फिर वहां से भाई को आवाज सुनाई दी। भाई को कहा, भाई तो निकल गया था, मेरे को आई पीछे तो कुत्ते पड़े हुए थे गली के, मजाक नहीं, मैं मोटरसाइकिल भगा रहा था, ले गया पीछे भाई, सब निकल गया है रात को। और फिर हम रात को 12 बजे निक्की आंटी के घर गए, बिकॉज निक्की आंटी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो हमें लगा इनके घर गए हुए होंगे। वहां पे जाके इन्हें उठाया, आंटी बोली मेरे को तुम्हें यहाँ तो नहीं आए। आंटी भी निकली बाहर ढूंढने के लिए। तो ये रहा आज का किस्सा, जो कि ऐसा कुछ हुआ है, पर अब ये लोग आ गए हैं घर पे तो हम खुश हैं। बच्चे भी साथ में थे ना? हाँ, हमारे बच्चे भी साथ में थे दोनों। ये देखो बैठी है यहाँ पे। अभी मैं आपको एक चीज बताऊँ, एक दिन चिट्टू दीदी थी और सिमी बुआ थी, दादू बैठ के फोन देख रहे, तो दादी माँ चलो सेठी साहब जाके हमारे लिए
तो चिंटू दीदी को डर लगा, वो एकदम उठ के सो मारने लग गई, साफ करने लग गई। हाँ जी, फिर दादी ने बोला कि आपको नहीं बोला, दादू को बोला। रुदा ने किया पर्दाफाश। अरे यार, अब हम जा रहे हैं निक्की आंटी को छोड़ने, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं 12 बज रहे हैं, तो मैं और भाई अब निक्की आंटी को छोड़ के आएंगे। गुड नाइट गाइज, आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप पुराने हैं सब्सक्राइब्ड हैं सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स आए हैं तो रिदा और रिदा की बुआ के, अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो डू चेक इट आउट, उसमें आपको पता लगेगा कि रिदा अपनी बुआ के कितना क्लोज थी। और वो शी वॉज जस्ट 17 मंथ्स ओल्ड और वो उसको जाने नहीं दे रही है, सो जस्ट वॉच इट एंड आई एम श्योर यू गोना एंजॉय इट। तो फिर आपसे मिलते हैं कल, अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ गाइस। I fall behind, fall behind.